भी रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया खौफ खाती है। अकेले दम पर रविंद्र जडेजा दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम की धज्जियां उड़ाने का माध्यम रखते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही रणजी ट्रॉफी में उन्हीं की तरह एक युवा खिलाड़ी के एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 विकेट चटकाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो आखिर कौन है वो कौन सा खिलाड़ी जिसे लोग दूसरा रविंद्र जडेजा मान रहे हैं और कैसा था उसका दमदार प्रदर्शन, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल में सबसे खतरनाक कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की जब भी बात होती है तो उसमें रविंद्र जडेजा का नाम बेहद आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने विश्व क्रिकेट में अपना रुतबा इस कदर बनाया है कि कोई भी टीम रविंद्र जडेजा के नाम से भी कांप उठती है। लंबे समय तक खेल के मैदान से बाहर रहने वाले रविंद्र जडेजा उनके नंबर वन पायदान की गद्दी छीनने की हिम्मत आज तक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं की है। इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी बड़ी टीमों को अकेले दम पर रौंदने वाले रविंद्र जडेजा भारतीय टीम की बैकबोन माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी मौजूदगी में ही अब भारत के उभरते हुए सितारे ने, जो रविंद्र जडेजा की कार्बन कॉपी है, ऐसा शानदार प्रदर्शन किया है कि उसे दूसरा रविंद्र जडेजा माना जाने लगा है। दरअसल सौराष्ट्र और पंजाब के बीच रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां सेमीफाइनल के लिहाज से बेहद जरूरी होने वाली है। इसी बीच पंजाब क्रिकेट टीम के स्पिनर गेंदबाज विनय चौधरी ने अपनी फिरकी से रविंद्र जडेजा की टीम सौराष्ट्र के बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया है। उनकी गेंदबाजी की आंधी में सभी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का रोमांच मैच दर मैच और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। सौराष्ट्र और पंजाब के बीच क्वार्टर फाइनल में जंग में पंजाब क्रिकेट टीम के 29 वर्षीय लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज विनय चौधरी ने अपनी धाकड़ गेंदबाजी से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। विनय ने दूसरी पारी में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले सलामी बल्लेबाज हार्दिक देसाई को अपना शिकार बनाया। वो 0 के स्कोर पर पवेलियन में जाके बैठे। इसके बाद विश्वराज जडेजा, शेल्डन जैक्सन और कप्तान अर्पित वसावड़े उनके मुख्य शिकार बने। इसके अलावा उन्होंने मुकाबले में 49.1 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 11 ओवर मिडन डाले और इस दौरान उन्होंने 179 रन खर्च कर 7 खिलाड़ियों को आउट कर पवेलियन की तरफ भेजा। दोस्तों, आपको बता दें, सौराष्ट्र टीम के कप्तान अर्पित वसावड़े ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था, जो कि काफी हद तक ठीक साबित हुआ। विनय चौधरी की दमदार गेंदबाजी के बावजूद सौराष्ट्र की टीम ने 71 रनों से यह मुकाबला जीतकर पंजाब को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। लेकिन इस खिलाड़ी ने अपना रुतबा बहुत अधिक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा नागपुर के मैदान पर पहले टेस्ट मैच में कितने विकेट लेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।